अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूजी और आलू का नाश्ता। जी हाँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और लाजवाब है, और जो कि कम ही इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार है। और ये देखिए, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून बड़े चम्मच भरकर यानी कि ऑयल लिया है। उसमें हमने 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, इसको हम तड़का लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए, हमारा जीरा भुन चुका है। हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिया है। आप चाहो तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। तो अब हम है ना 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे इसमें, और 1 टेबल स्पून नमक। नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये देखिए, हमारा पानी अच्छे से गर्म हो रहा है। और अब हम यहाँ पर 1 कप सूजी लेंगे। हमने यहाँ पर सूजी को रोस्ट कर रखा है, आप चाहो तो बिना रोस्ट की भी सूजी ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि हमारे इसमें लम्स ना पड़े। तो देखिए किस तरीके से मैं हाई फ्लेम पर इसको पका रही हूँ, लो फ्लेम पर नहीं। देखिए कितने अच्छे से हमारा ये, हमने 1 कप सूजी में 1 ग्लास पानी ऐड किया है, और ये अच्छे से सोख जाएगा, हमारी सूजी फूल जाएगी। इसको हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे। देखिए किस तरीके से मैं चला रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना पड़े। आप भी इसी तरीके से इसको चलाते रहें अच्छे तरीके से। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। आप चाहो तो मैदा भी ऐड कर सकते हो। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, मेरा अच्छे तरीके से है ना कॉर्नफ्लोर अच्छे तरीके से मिल चुका है। इसको हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे, और हमने गैस को कर दिया है बंद। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी सूजी भी भून चुकी, फूल चुकी है, पक चुकी है। और अब हम यहाँ पर जो आलू हैं कसे हुए वो ऐड करेंगे। यहाँ पर ये मेरे आलू, 2 आलू लिए थे मीडियम साइज के, उनको हमने उबाल लिया था। आप चाहो तो कच्चे आलू भी ऐड कर सकते हो। और इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, ये स्नैक्स बनकर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। कितने कम इंग्रेडिएंट्स में है ना, और हमारे ये स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। आप देखिए आगे, ये देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से मिला रही हूँ। आप इसी तरीके से मिलाइए। मैंने गैस को कर दिया है बंद, और इसको ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मीडियम रखना है हमें इसे, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। तो देखिए ये डो ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, मीडियम है। अब हम इसमें हरा धनिया पत्ती और हमने 1 हरी मिर्च कट की है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने ये धनिया पत्ती और 1 हरी मिर्च, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे हाथ की मदद से। आप चाहो तो इस तरीके से भी मिला सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से मिला रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और देखने में भी बाइट्स हमारी अच्छी लगेंगी। तो इसको हमने मिला लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए एक डो अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इस डो को हम 3 लोइयों में अलग अलग बना लेंगे। जिस तरीके से हम आटे की लोई ले लेते हैं, उस तरीके से हमने ये देखिए 3 लोई निकाल ली हैं। और इसको हम रोल बनाएंगे, स्टिक टाइप बनाते हैं ना, इस तरीके से। देखिए मैं किस तरीके से बनाऊंगी इसको, इस तरीके से लंबा आकार देंगे एक पेंसिल की तरह। देखिए हम इस तरीके से इसका अच्छे से रोल बना लेंगे। आप चाहो तो ज़्यादा बारीक कर सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा सा मोटा कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए हम इसे घुमाते रहेंगे और थोड़ा सा, देखिए, और हम अब नाइफ की मदद से इसको हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये देखिए किस तरीके से मैं छोटे छोटे बाइट्स बनाऊंगी। आप चाहो तो कोई सी भी शेप दे सकते हो, गोल आकार में, ट्रायंगल शेप में, लेकिन मुझे इस तरीके की ये बाइट्स बनानी है। तो देखिए इसी तरीके से हम सारी बाइट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे तैयार हो चुके हैं, मैंने एक एक बाइट्स बनाकर तैयार कर ली है। अब हम फ्राई पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल गरम कर लिया है, और
एक एक पार्ट्स को हम अलग अलग डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे क्योंकि हाई फ्लेम पर अंदर से नहीं बन पाएंगे। तो देखिए हमारे कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से जो बचे हुए हैं वे भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। और हमने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है, कम ऑयल में ही हमारे ये स्नैक्स बनकर तैयार हैं। देखिए हमारे क्रिस्पी स्नैक बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसको सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ में भी खा सकते हैं। ये देखिए कितनी क्रिस्पी सी आवाज़ आ रही है। ये देखिए हमारे क्रिस्पी स्नैक्स बनकर तैयार हैं। आप इसको सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं। ये देखिए इतने करारे, बिल्कुल एकदम से खस्ता बनकर तैयार हैं। आप भी बनाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो इस रेसिपी को आप है ना सुबह के नाश्ते में बनाइए और खाइए और नाश्ते का स्वाद लीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।